नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं असूत्री विभाजन के बारे में, ए माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। गाइज, आप सभी को पता है कि पिछले 5 दिनों से हम सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग क्या लगाओगे? सेल डिवीजन, अर्थात कोशिका विभाजन। अब साथियों, सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि भैया कोशिका विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और साथियों किस सन में की थी। मैं आपको बताता हूँ साथियों कि कोशिका विभाजन क्या होता है। कोई कोशिका होती है साथियों, वह अपने आप को डिवाइड करती है, वह अपने आप को विभाजित करती है और साथियों नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया ही साथियों कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। गाइज, हमने कोशिका विभाजन के बारे में बहुत अच्छे से जाना, समसूत्री विभाजन के बारे में भी अच्छे से जाना, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी अच्छे से जाना। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं असूत्री विभाजन के बारे में, तो हेडिंग क्या लगाओगे आप? असूत्री कोशिका विभाजन। इंग्लिश में कहा जाता है साथियों ए माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या होता है साथियों असूत्री कोशिका विभाजन, कोई मुझे बताएगा? साथियों, यह वह विभाजन होता है जिसमें साथियों गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता। ऐसा विभाजन क्या कहलाता है साथियों? असूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। यह वह विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता। देखिए साथियों, अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी है तो गाइज मैंने आपको बताया था समसूत्री विभाजन में क्या होता है साथियों, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में गुणसूत्रों की संख्या और साथियों डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। बात क्लियर है? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है साथियों, पेरेंट सेल में गुणसूत्रों की संख्या की जो डॉटर सेल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। कहने का मतलब पेरेंट सेल में मान लीजिए एक्स गुणसूत्र है तो भैया डॉटर सेल में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी अर्धसूत्री विभाजन में वो एक्स वाई टू होगी। और साथियों ये तो हो गई अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था। समसूत्री विभाजन में क्या है साथियों कि अगर पेरेंट सेल में गुणसूत्रों की संख्या एक्स है तो भैया डॉटर सेल में भी गुणसूत्रों की संख्या एक्स होगी, लेकिन भैया इसमें गुणसूत्रों का विभाजन होता ही नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात समझ में आ गई आपको? मैंने ये कहा कि भैया समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो पेरेंट सेल के समान होती है डॉटर सेल में। और असूत्री विभाजन में क्या होता है, पेरेंट सेल में जितने गुणसूत्र होते हैं उनकी आधी साथियों डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या होती है। और भैया असूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों का विभाजन होता ही नहीं है। पहली बात क्लियर है? तो ऐसा विभाजन साथियों जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता वो कहलाता है असूत्री कोशिका विभाजन। अगर साथियों मैं इसकी खोज की बात करूं तो किस वैज्ञानिक ने भैया असूत्री विभाजन की खोज की थी? गाइज, खोज की थी भैया रीमेक नामक एक वैज्ञानिक था उसने। वो विस्तृत अध्ययन साथियों किसने किया था भैया, किसके बारे में? असूत्री विभाजन के बारे में। तो याद रखना साथियों, एक वैज्ञानिक था फ्लेमिंग। इस फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने असूत्री विभाजन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और खोज इसकी रीमेक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इतनी बात क्लियर है? और देखिए साथियों, कोशिका विभाजन की सबसे तीव्र विधि है यह कोशिका विभाजन की
सबसे तीव्र विधि कौन सी साथियों? असूत्री विभाजन। लगभग साथियों 20 से 30 मिनट के अंदर साथियों ये कोशिका विभाजन हो जाता है। याद रखना साथियों, समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में आपने पढ़ा क्या था कि भैया प्रोफेज में क्या हो जाता था, केंद्रक कला लुप्त होना स्टार्ट हो जाती थी, केंद्रक कला लुप्त हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्रक कला लुप्त नहीं होती। और क्या क्या होता था साथियों समसूत्री विभाजन में, केंद्रिका भी लुप्त हो जाती थी, अर्धसूत्री विभाजन में भी होता है, केंद्रक कला सॉरी केंद्रिका लुप्त हो जाती थी लेकिन इसमें केंद्रिका भी लुप्त नहीं होती, इसमें गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते, गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते। और देखिए क्या क्या होता है इसमें सूत्री विभाजन में साथियों, जो तर्कु तंतु है, इस तर्कु तंतु का निर्माण इसमें नहीं होता भैया, तर्कु तंतु का निर्माण इसमें नहीं होता। जो साथियों प्रोफेज है, मेटाफेज है, पढ़ा चुका साथियों में क्या होता है प्रोफेज, क्या होता है मेटाफेज। जो एनाफेज है और जो टीलोफेज है, इस प्रकार के साथियों कोई अवस्था भैया असूत्री विभाजन में नहीं पाई जाती, ना ही इसमें साथियों केंद्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है। इसमें साथियों छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जो केंद्र को पोषण प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। तो भैया केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती, जिसे आप केंद्रक कला भी कहते हो। केंद्रिका होती है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, इसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो भैया केंद्रिका भी नहीं होती। इसमें जो गुणसूत्र है साथियों वो स्पष्ट रूप से भी नहीं दिखाई देते, तर्कु तंतु का निर्माण नहीं होता है साथियों, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज जैसी कोई भी अवस्था साथियों असूत्री विभाजन में नहीं पाई जाती। इतनी बात क्लियर। और देखिए कोशिका विभाजन के बारे में साथियों, ये जो विभाजन होता है असूत्री कोशिका विभाजन, ये मुख्यतः प्रोकैरियोटिक जो रियोटिक कोशिका है उनमें होता है और बहुत कम होता है साथियों यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को तो ये भी नहीं पता साथियों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तो क्या होती है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है। देखिए सीधा सा अंतर है साथियों, आपको कुछ चीज रटनी नहीं है बट समझना है। कैसे अंतर बता सकते हो आप इन दोनों कोशिकाओं के बीच में? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है साथियों, ये ऐसी कोशिका होती है जिनमें साथियों जो केंद्रक होता है वो कम विकसित होता है। बात क्लियर है? और जो यूकेरियोटिक कोशिका है साथियों, इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें साथियों केंद्रिका नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और साथियों जो केंद्रक कला है, जो केंद्रक झिल्ली है वो भी नहीं पाई जाती। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में और केंद्रिका भी पाई जाती है। इसमें साथियों जो कोशिकांग है उसके ऊपर जो आवरण होता है साथियों वो नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें भैया आवरण पाया जाता है, दोहरावरण भी होता है और एकलावरण भी होता है, जैसे कि हरित लवक केंद्रक और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन पर साथियों दोहरावरण पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी साथियों इन पर एकल झिल्ली पाई जाती है, मतलब एकल आवरण पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इनके उदाहरण देख लीजिए साथियों, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है जैसे कि जीवाणु, नील हरित शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा, ये भैया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जैसे कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये कम विकसित जीवों में पाई जाती है और ये अधिक विकसित जीवों में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताओ।
मैंने आपको क्या बताया कि यह वह कोशिका विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता, असूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। गाइज आपको प्रॉब्लम इस वजह से आ रही होगी क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं, इस वजह से साथ ही मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा। इसकी खोज रिमैक नामक वैज्ञानिक ने की थी, विस्तृत अध्ययन साथियों फ्लेमिंग ने किया था असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। यह कोशिका विभाजन की सबसे तीव्र विधि है, लगभग साथियों इसमें 20 से 30 मिनट का ही समय लगता है अदर कोशिका विभाजन की तुलना में। कहने का मतलब बहुत कम समय लगता है इसमें। केंद्रकला लुप्त नहीं होती, केंद्रिका लुप्त नहीं होती, गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते, तर्कतंतु का निर्माण नहीं होता, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जैसी कोई अवस्था नहीं पाई जाती, इसमें डायरेक्ट विभाजन हो जाता है। साथियों ये जो असूत्री कोशिका विभाजन है मुख्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है और बहुत कम साथियों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, हमारे कुछ जो बोन सेल्स है इन बोन सेल्स में भी साथियों असूत्री कोशिका विभाजन होता है। और साथियों जो आपकी कुछ WBC है, ऐसे नहीं कह रहा सभी में ही, लेकिन कुछ WBC ऐसी होती है साथियों जिनमें भैया असूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों ध्यान रखना। वैसे देखा जाए साथियों कि शरीर में ज्यादातर मुख्यतः कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। हमारे जो जनन कोशिका है उनमें असूत्री विभाजन होता है, इस बात का आप ध्यान रखना है। लेकिन कुछ बोन्स है और कुछ WBC है साथियों, कुछ बोन सेल्स है और कुछ WBC सेल्स है जिनमें साथियों असूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ साथियों किस तरीके से इनमें कोशिका विभाजन होता है। मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये तो वीडियो बैक करके ले लेना। देखिए हम एक संरचना बनाएंगे अमीबा की। अमीबा में साथियों जो विभाजन होता है भैया द्विविभाजन होता है, उसका मतलब यह है कि भैया दो भागों में बट जाती है आसानी से। देखिए किस तरीके से अभी देखते हैं। एग्जांपल है साथियों अमीबा। हाँ एक बात को ध्यान रखना, असूत्री जो कोशिका विभाजन होता है अमीबा में होता है, जीवाणु में होता है, प्रोटोजोआ में होता है और जो नील हरित शैवाल है इनमें होता है। एग्जाम्पल लेंगे हम अमीबा, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमीबा के बारे में बात करें साथियों तो अमीबा की संरचना निश्चित नहीं होती, कुछ इस तरीके से होती है। ये क्या है आपका केंद्रक, ये क्या है कोशिका झिल्ली है, और ये क्या है साथियों ये भैया आपका कोशिका द्रव है। सबसे पहले क्या होगा साथियों, केंद्रक का विभाजन होगा, यहां से सिकुड़ेगा तो कुछ इस तरीके से आपको संरचना देखने को मिलेगी। ये क्या है, ये भैया कोशिका झिल्ली है और ये जो केंद्रक है और ये वाला साथियों कोशिका द्रव है। यहां से सिकुड़ करके साथियों केंद्रक के पास आ गया। अब केंद्रक साथियों अगली स्थिति में क्या हो जाएगा, दो भागों में विभाजित तो हो जाएगा, एक ये बन गया एक ये बन गया। ये क्या हो गया केंद्रक हो गया और ये कोशिका द्रव हो गया। और अगली कंडीशन में तो साथियों ये अलग अलग कोशिका बनी ही जाएगी। ये क्या है, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव हो गया और ये भैया कोशिका झिल्ली हो गई, दो अमीबा बन करके तैयार हो गए। सबसे पहले केंद्रक में सिकुड़न होता है साथियों, जिसकी वजह से साथियों कुछ इस तरीके से केंद्रक में सिकुड़न होगा तो केंद्रक दो भागों में बटेगा, फिर साथियों कोशिका द्रव भी दो भागों में बट जाएगा, धीरे धीरे कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी। ये होता है साथियों कुछ इस तरीके से होता है असूत्री कोशिका विभाजन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इससे अधिकांश इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों मैंने आपको पिछली 5 क्लासों में करवा दिए, लेकिन ये क्लास भी करवाना अति आवश्यक था, मेरा फर्ज था, मैंने करवा दिया। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, किसी नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बाय।